बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन एंड डियर स्टूडेंट्स जो मेरे साथ क्लास में हैं। मैं प्रोफेसर अफजल मजीद शहीद, हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज, इस वक्त एफए के सेक्शन के से आपसे मुखातिब हूँ। ये बड़े नेम की और होनहार बच्चे हमारे सामने हैं, आप इनके चेहरे भी देख सकते हैं। ये ज़रा ये स्टूडेंट्स को दिखा दें इसमें कैमरे में, ये बच्चा जो अपने स्टूडेंट है क्लास का जी। तो ठीक है शाबाश, आप वाइट बोर्ड की तरफ आहिस्ता से रोटेट करते हुए इसको वापस ले वाइट बोर्ड की तरफ। तो मौजूद नाज़रीन और डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट की डेफिनेशंस। तो ये मैंने इसको पहले लिख दिया है बोर्ड के ऊपर ताकि आप सब इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट के बारे में टेंस को कैसे सीखें। ये याद रखें कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हम उसके मकसद का तय्यन करते हैं। इसी तरह जिस वक्त हम टेंसेस को सीखते हैं तो हर टेंस का एक अलग मकसद है कि वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो, तो ये मकसद जो है इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मकसद ये है कि ये मामूल के काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मामूल के काम जो मामूल के मुताबिक होते हैं, जैसे सूरज का निकलना, गुरूब होना, आपका कॉलेज में आना, कॉलेज से जाना, ये सब मामूल के काम। तो इन कामों को जाहिर करने के लिए ज़माना हाल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मकसद के बाद दूसरे नंबर पर आती है इसकी पहचान। तो पहचान इसकी ये होती है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ते है, ती है वगैरह आता है। जैसा कि वो स्कूल जाता है, बारिश होती है, तुम हंसते हो, तुम अपना काम करते हो, ये ता है, ती है, ते है, इसके आखिर में आता है उर्दू फिक्रे के आखिर में, ये इसकी पहचान होती है। उसके बाद है इसका तरीका, हर किस्म के फायदे के बाद वर्ग की पहली फॉर्म लिखाते हैं। जी एक बार फिर सुनिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब तर्जुमा करते हैं तो हर किस्म के फायदे के बाद वर्ग की पहली फॉर्म लिखाते हैं। लेकिन ये फायदे कम से कम छः किस्मों के हो सकते हैं, आइए उनकी तफसील को भी ज़रा देखते हैं। अगर जुमले का आगाज तीन अल्फाज के साथ हो, आई, दुई, यू, दे, तो फिर वर्ग की पहली फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। अगर जुमले का आगाज तीन अल्फाज के साथ हो, जैसे कि ही, शी, इट या किसी बाहर किस्म के साथ, तो फिर वर्ग की पहली फॉर्म लगाकर उसमें एस सी आई एस का इजाफा करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या मिसालें हैं इसकी ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो पहला फिक्र है वो स्कूल जाता है, इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगी ही गोज़ टू स्कूल। दूसरा फिक्र है तुम स्कूल जाते हो, इसकी ट्रांसलेशन ऐसे होगी यू गो टू स्कूल। तीसरा फिक्र है हम स्कूल जाते हैं, इसकी ट्रांसलेशन होगी वी गो टू स्कूल। और चौथा फिक्र है बारिश होती है, इसकी ट्रांसलेशन होगी इट रेन्स। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि बारिश या मौसमी हालात को जाहिर करने के लिए फिक्रे का आगाज़ अमूमन इट से किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आसान और आप सब लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अपने फीडबैक से बहुत जरूर नवाजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।